ये बात है सन 1974 की, जब फेडेक्स कंपनी बैंक्रप्ट हो गई थी। तब कंपनी के फाउंडर फ्रेडरिक स्मिथ ने कंपनी के आखिरी बचे हुए 3 लाख रुपए को लेकर घूमते रहे। फिर उनके माइंड में लास वेगास में एक जुए का अड्डा दिखा, जहां वो 3 लाख कैश लेकर चले गए। और उसके बाद जो हुआ आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उस जुए में अपना दाव लगाकर वहां से 23 लाख रुपए जीत गए, जिससे उनके मन में एक नई उम्मीद जगी अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने की। और उन्हीं पैसों से फेडेक्स कंपनी को उभरने में लगा दिया, जिसकी सफलता को तो आज आप जानते ही होंगे। आज फेडेक्स की कीमत 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलें।